हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया है। गौरतलब है कि मामले में इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में लोगों के जल समस्या के प्रति अथॉरिटी के लच्चर रवैये पर नाराजगी जताई थी और मामले में हरियाणा और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को 23 अप्रैल को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा ने यमुना नदी से राष्ट्रीय राजधानी को मिलने वाली जलापूर्ति में एक तिहाई की कटौती कर दी है, जिससे दिल्ली में जल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। जल बोर्ड ने अपनी याचिका में दलील दी है कि दोनों राज्यों के बीच 450 क्यूसिक पानी की रोजाना सप्लाई होने पर सहमति हुई थी, लेकिन इस वक्त हरियाणा सिर्फ 330 क्यूसिक रोजाना सप्लाई कर रहा है।